ग्वालियर पहुंचा, दतिया पहुंचा, लेकिन वहां पे ग्वालियर में लॉकडाउन हो गया था बहुत कड़ा। चुनाव का भी समय भी है, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारने में मजा आता है। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, एक चीज और है, ये बहुत बड़ा अपने पास एक मौका है जिसको अपन को इनकैश करना है। 26 विधानसभाओं सीटों में उपचुनाव है जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सम्मान की लड़ाई लगी। कांग्रेस और भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस और भाजपा पूरी सरकार दोनों चाहती है कि हम लोग सरकार पे बैठे और सरकार बना लें। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, पहले कमलनाथ की थी, कमलनाथ ने हमें वचन पत्र में शामिल किया था। और आपको यह भी बता दें कि भोपाल के जो उग्र आंदोलन हमने किया था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया था, उसी का फलसफा था कि कांग्रेस ने हमें वचन पत्र, कांग्रेस ने आके मंचों पे भीड़ देखी थी हमारी। हमने, याद होगा आप लोग, मंच के दौरान पे जब हमको जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे भाजपा के, उन्होंने हमें बुलाया था, मीटिंग हुई थी, और हमने उनसे क्लियर बोला था कि हमने आपको चित्रकूट चुनाव हरा दिया है। उमा शंकर गुप्ता जी के घर पे मैंने कहा था कि हमने आपको चित्रकूट चुनाव हरा दिया है, और अगर आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो हम मुंगावली और कोलारस का चुनाव भी हरा देंगे। तो उन्होंने बोला ये फिर तो आपके बारे में सोचना पड़ेगा। हमने उनसे कहा ब्रजेन पांडे जी जुड़े हुए हैं अभी, शिवांशु त्रिपाठी जी, अंकित कुशवाहा जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़ी स्थिति में उनसे क्लियर स्पष्ट तौर पे बोला था। पूरे हमारी एक कारकारिणी की टीम थी जिनसे मैंने कहा था, उमाशंकर गुप्ता जी से, कि अगर हमारा अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हुआ तो आपको कोलारस और मुंगावली का चुनाव हरा देंगे। आज मैं अपने अतिथि शिक्षक भाइयों को साक्षी मान के अपन ये बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी अपन भोपाल ग्वालियर में हमें आंदोलन की तैयारी कर रहा हूं। ये छोटा शंभू चरण दुबे कभी छोटा आंदोलन नहीं करता, जब करता है तो दिखता है और सरकार हिलती है। हम ग्वालियर की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं अपने पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से लगातार संपर्क में हूं, बड़ा चुनाव लड़ने की, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा हूं। रथ लेके मैं निकलूंगा अभी ग्वालियर की ओर, थोड़ा सा चुनाव निकट आ जाए, घोषणा हो जाए, और आप चिंता मत करिए, आचार संहिता लगी हो या कोई भी लगी हो, आपके शंभू चरण दुबे को कोई रोक नहीं सकता। वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं आचार संहिता में ही करते हैं, हम भी आचार संहिता में अपना प्रचार करते हैं, वो आचार संहिता में चुनावी सभा करते हैं। अभी आपने देखा ग्वालियर में किया, तो उनके लिए अगर कोरोना महामारी नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है। हमारे तो बच्चे और पेट के, हमारे तो भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इसमें हम मानेंगे नहीं। वो सत्ता में बैठने के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने पेट की रोटी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक भाई मध्य प्रदेश में। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, निष्फिक्र रहिए, हम इस आंदोलन को इतना बड़ा बना देंगे कि आप लोगों को निश्चित तौर से आपकी झोली में कुछ आएगा, जब जब हमने आंदोलन किया है। और मैं सभी मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से, कि इस भोपाल के आंदोलन में अगर इस बार आप लोग चूके तो दोष आप किसी और को मत करिएगा, ये मानिएगा कि ये दोष आप लोगों का है। रथ यात्रा में निकलिए, मैं रथ यात्रा में पहुंचने बहुत जल्दी तैयारी कर रहा हूं, डेट आप लोगों को डाल दूंगा। आप लोग पहुंचिए, आंदोलन को बड़ा बनाइए। अगर अपने पेट की हक के लिए, अपनी रोजी रोटी के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ नहीं सकते तो हमको फिर नियमित होने का कोई हक नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरे को चारों तरफ से भी बुलाया जा रहा है। अभी मैं 1 तारीख को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने जा रहा हूं, हमें लगातार बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए। लेकिन हमें जो विडंबना है, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं उसका। हालांकि आपने अभी लोगों ने वोटिंग कराई, मैंने देखा लोगों ने वोटिंग कराई, किसने ये वोटिंग चालू की थी नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 80% वोट करके बता दिया कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक किसके साथ खड़ा है और क्यों खड़ा है। वो ये जानते हैं कि ईमानदारी से हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और किसको लड़ना चाहिए। आप निष्फिक्र रहिए, हमारे साथ लाइन पे राजकुमार सिंह यादव जी हैं जो वॉच कर रहे हैं, लगातार हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अभी जुड़ते जा रहे हैं। इस लड़ाई को हमें बड़ा बनाना है और यही उपचुनाव है। और मैं आपको एक चीज और बोल दूं, कुछ भाजपा के दलाल और कुछ कांग्रेस के दलाल कहते हैं कि भाजपा ये कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। मैं आपको ये बता दूं
कि विसंगतियों में मत पड़िएगा, ना हम भाजपा के साथ हैं ना हम कांग्रेस के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे ना हम भाजपा के साथ खड़े होंगे, क्योंकि 16 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने हमें नियमित नहीं किया। अब हम, और मैं बताऊं, आपको वीडियो देखा होगा, पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ने देखा था, मैंने कमलनाथ जी जब वो मुख्यमंत्री थे मैंने उनसे मुलाकात की थी, व्यक्तिगत बात की थी, मैंने उनको बोला था कि अतिथि शिक्षक को बोले आप समझाइए, अभी हम 4-5 महीने में, आपने देखा होगा वीडियो, 5 महीने में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप 5 महीने में कुछ नहीं कर सकते थे तो आपने किसानों का तो किया, हालांकि वो भी एक दिखावा था, छलावा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें विरोध करना है कांग्रेस और भाजपा दोनों का, जो हमने अंबेडकर पार्क में किया था। ये 14 साल अगर भाजपा की सरकार थी तो 14 साल विपक्ष में थे, इन्होंने कभी हमारे लिए आंदोलन, हमारे लिए विधानसभा में वॉकआउट नहीं किया, कभी इन्होंने कुर्सियां नहीं पटकी। 2 लाख अतिथि शिक्षक, 1.5 लाख अतिथि शिक्षक है मध्य प्रदेश का, जो आपकी सरकार को बनाएगा और बिगाड़ देगा। मैं वचन देता हूं आज हमारे साथ मध्य प्रदेश का सिर्फ अतिथि शिक्षक 1.5 लाख की तादाद में, और मैं आह्वान करूंगा तो मध्य प्रदेश का पूरा कर्मचारी, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे रसोईया हो, चाहे जन स्वास्थ्य रक्षक हो, चाहे मीटर वाचक हो, दोनों पार्टियों का विरोध करेंगे और दोनों को धूल चटाने का काम करेंगे। हम किसी थर्ड फ्रंट के साथ खड़े हो जाएंगे अगर आपने हमारे अतिथि शिक्षकों को इस चुनाव के पहले नियमित नहीं किया तो। हमें नियमित होना है, हमें 12 माह का वेतन चाहिए। अतिथि शिक्षक आज स्कूलों का रिजल्ट अगर 65% और 70% आता है तो उसका कारण मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक है। हमारा अतिथि शिक्षक दिन रात मेहनत करता है, स्कूलों में जाता है, 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, उसकी विडंबना देखिए, वो अपने परिवार को इतने कम मानदेय में पढ़ा रहा है। मैं इस माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं, शिवराज जी को देना चाहता हूं, कमलनाथ जी को संदेश देना चाहता हूं, साथ में जिन्होंने सड़क पर उतरने की बात की थी माननीय सिंधिया जी को, उनको भी संदेश देना चाहता हूं। सिंधिया जी, रथ लेके मैं ग्वालियर आने वाला हूं, सड़कों पर आंदोलन करूंगा। आप अगर सच हो, नहीं तो आपकी पूरी 14 सीटें 12 सीटों पे अब हरा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करूंगा मैं, मेरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक, अगर आपने अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पे उतरे नहीं तो। और यह भी सिद्ध हो जाएगा कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए झूठे वादे करते थे, झूठी बातें कही थी आपने कि सड़कों पर उतरेंगे, अब आप सड़कों पर उतरिए, आप सरकार में है, सत्ता में है, पावर में। चलिए, मैंने मान लिया था आपकी बात की कांग्रेस ने आपकी बात नहीं सुनी थी, अब क्या दिक्कत है, अब उतरिए ना, आप सड़क पे उतरिए, हमारे हक के लिए लड़िए। आपने अगर बोला था हम मानेंगे कि आप हो, और पूरा मध्य प्रदेश का एक एक कर्मचारी आप कि आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप हमारी चिंता करिए। अतिथि शिक्षक जो होता है समाज का निर्माता होता है, समाज के निर्माण का काम करता है, 10-10 किलोमीटर साइकिल चला के बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों के भविष्य को संवारता है, गांव गांव में जाता है, मेहनत करता है, और आज उसका परिवार दुखी है, आज वो अपने बच्चों को नहीं शिक्षा दे पा रहा है, आज वो अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं दे पा रहा है। इस स्थिति में हमारे पास आंदोलन के अलावा और उग्र आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं, माननीय सिंधिया जी को संदेश देना चाहता हूं, और कांग्रेस सरकार को देना चाहता हूं कि अगर सत्ता में आना है, सरकार बनाना है, कुर्सी पे बैठना है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अंबेडकर पार्क का ही आंदोलन था जिसमें 70 से 80 हजार अतिथि शिक्षक बैठे थे, कांग्रेसी जानते हैं कि वहीं से आपकी सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में 7-7-8-8 हजार हैं हम लोग परिवार को, अगर हमारे जोड़ लिया जाए, एक 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 अतिथि शिक्षक अगर उसकी पत्नी को जोड़ लो तो 2, और अगर उसके बच्चों को जोड़ लो, उनके परिवार को जोड़ लो, तो कुल मिला के एक घर, एक अतिथि शिक्षक 5 वोटों का हकदार होता है। हम आपकी सरकार गिराने का सबसे बड़ा रूप अदा करेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। और मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं अपने अतिथि शिक्षकों को एक आश्वासन करता हूं कि I will win, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। अब हम जीतेंगे, और इस चुनाव के पहले ये जो हमारी बातें नहीं सुनते ना, जब इनकी सरकार नहीं होती, आप देखिए ना, बड़ी अच्छी बात बोलना चाहता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री सत्ता में आता है, मुझे ऐसा लगता है उसको मोतियाबिंद हो जाता है, वो भूल जाता है कि हम किसकी दम पे और कैसे सरकार पे बैठे हैं, फिर वो अतिथियों की बात नहीं करते, फिर वो हमको भूल जाते हैं। हम लगातार अतिथि शिक्षकों की बात कर, अंबेडकर पार्क में हमारे अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी मंच पे गए थे, बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित करेंगे।
अभी भी वादे कर रहे हैं। वादे नहीं चाहिए हमको, हमारे बच्चों की स्थिति खराब है, हमें नियमितीकरण चाहिए। माननीय शिवराज जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय सिंधिया जी, सड़कों पर उतरिए। आपने बड़ी बड़ी वादे किए थे, आपने कहा था। मौसम निगम जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अतिथि शिक्षक हमारा लगातार जुड़ता जा रहा है। आप लोग तैयारी करिए। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर मैदान में बड़ी तादाद में हम नहीं उतरेंगे तो हम कभी नियमित नहीं होंगे। हमें बड़ी तादाद में उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे। संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कोरोना जैसी महामारी में रथ लेके दतिया गया था और वहां पे आंदोलन के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रशासन और शासन ने लॉकडाउन किया हुआ था इसलिए नहीं किया। मुझे हौसला मिला भी है जब जब मुख्यमंत्री जी खुद जा सकते हैं सिंधिया जी और वहां पे मंच लगा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। मत हारिए। आपको ये बता दूं कि आपका भाई बड़ी ताकत से फिर से आंदोलन करने तैयार। हम आपको आश्वस्त करा रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों को आश्वस्त करा रहे हैं कि तैयारी करिए। इस 26 सीटों में कोई अगर आपसे ये कहता है कि हमें कांग्रेस के साथ खड़ा होना है या हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकी कुछ या कांग्रेस नहीं देगी, तो इन दोनों ने अपन को छला है। कांग्रेस के पास भी 16 महीना थे, इन्होंने हमें झूठे वादे किए। कुंवर शैलेंद्र जी हैं, विजय विनय दहायत जी हैं, विनायक दहायत जी हैं हमारे जुड़े हुए लाइन में लगातार। आपकी आपका नाम कंफ्यूजन हो रहा है। आंदोलन के लिए आप लोग एक चित्र हो जाइए, हताश मत होइए, उल जलूल व्हाट्सएप में एक दूसरे को कमेंट मत करिए, किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए, किसी भी कहीं कोई भी कुछ बोलता है आप सुनिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माण का कार्य करता है। अतिथि शिक्षक को मानदेय नहीं मिला 5 महीने से, वो तत्काल मानदेय रिलीज कराइए आप। दूसरा, जो भी अतिथि शिक्षक हमारा जहां पे कार्यरत है उस पद को रिक्त ना माना जाए, किसी भी अतिथि शिक्षकों को निकाला ना जाए, नहीं तो विद्रोह। आप सरकार पे नहीं बैठ पाओगे, ये मेरा वचन है आपसे। ये पीछे बैठे हैं जिनकी चरणों में मैं बैठा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, सरकार आपकी नहीं बनने दूंगा मैं मध्य प्रदेश में, किसी की भी बनेगी आपकी नहीं बनेगी। अगर आपने हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं बना नहीं किया तो, और मैंने आपको ये सिद्ध भी किया था भोपाल के मंच से, कहा था मैंने कि सरकार गिरा दूंगा मैं। अगर आप शिवराज हो तो हम भी इनके चरणों से शंभू हैं, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। ग्वालियर की 13 सीटों में से 12 सीटें हरा दूंगा मैं आपको। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भूखा है, 5 महीने से उसको मानदेय नहीं मिला। आप समझिए, इसको पता करिए, 1 करोड़ का हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदने की जगह आप हमारे अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिलवा दीजिए 5 महीने का। हमारे अतिथि शिक्षक जो निकाल दिए गए उनको वापस काम पे रखवाइए। ये काम तो आप कर सकते हैं और मेरा विश्वास है क्योंकि आपने किया है। कांग्रेस ने नहीं दिया मेरा, मैं कांग्रेस का बार चढ़ के विरोध करता हूं, कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, आपने दिया। मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं बार बार बोलता हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और आप सदैव यशस्वी जी बने रहो। अगर आप 5 महीने का वेतनमान कर दीजिए हमारे अतिथि शिक्षकों को, आप हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप डायरेक्ट भर्ती करिए, विभाग की परीक्षा अगर आपको लगता है कि अशिक्षित और अनपढ़ है तो आप एग्जाम में बैठा लीजिए, हमारा एक एक अतिथि शिक्षक पास होगा। और जिस तरह गुरुजी के साथ किया गया वो आप हमारे साथ करवा दीजिए, हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ करवा दीजिए। सदैव आपका जय जयकारा करेंगे मध्य प्रदेश में। हम लोग भूखे, हमारे मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक परेशान है, आह्वान कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है। आपके जिंदाबाद
आपके नारे लगाते हैं, आपके यशस्वी होने की हम कामना करते हैं, लेकिन आप भी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, समाज के निर्माताओं के लिए सोचिए आप कि हम, हमारा अतिथि शिक्षक समाज का निर्माता है। मैं आपको, अगर आपकी जानकारी में नहीं हो तो मैं आपको ये बात इस माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि अगर 65 और 70% रिजल्ट आता है तो हमारे अतिथि शिक्षकों के कारण। पढ़ाते हैं वो गंभीरता से स्कूलों में जाके, एक एक बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं वो। कहीं बच्चों को अगर ABCD नहीं आती है तो नाच के कत्थक करके किसी भी तरह बच्चों को सिखा रहे हैं। आप सोचिए, आप देखिए गंभीरता से हमारा अतिथि शिक्षक कितना मेहनत कर रहा है। 15-15 किलोमीटर गांव में जाके, इस बरसात में, इस कीचड़ में, जंगल में जाके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। बबला शर्मा जी हमारे बड़े, हमारे भाई बबला शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपका भाई तन मन धन से आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। ग्वालियर की सड़कों पर जाने के लिए तैयार हो गया। और सिंधिया जी को आह्वान कर रहा हूं कि आपने कहा था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़क पर उतर के लड़ने की तैयारी करूंगा, आप सड़क पर उतरिए शंभू चरण दुबे के साथ, आगे आगे रहिए हमारा पूरा मध्य प्रदेश का शिक्षक, और मैं आपके साथ पीछे रहूंगा। लेकिन अगर आप सड़कों पर नहीं उतरे तो आप पूरे की पूरी सीटें हार जाओगे। आप उमाशंकर गुप्ता जी को फोन लगा के अभी पूछ लीजिए, मैंने उनके घर में, उनके कमरे के अंदर बैठ के कहा था कि माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, माननीय मंत्री जी, आप अगर अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया अंबेडकर आंदोलन के दौरान तो आपको हमने चित्रकूट हराया, मुंगावली और कोलारस भी हरा दूंगा, और हरा दिया था हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने। लड़ाई वही लड़ी, हम हताश नहीं होते, नर्वस नहीं होते, और ना मैं हारा था ना मैं हारूंगा। आचार संहिता के पहले भोपाल में हमारे आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है, हम लड़ाई जीतेंगे और हमारा ये विश्वास है कि हम या तो नियमित होंगे या भारतीय जनता पार्टी को गिराने का काम करेंगे। बोलिए भारत माता की जय।